गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो रेडी तो हो गया हूँ, अब देखते हैं आज कहाँ जाते हैं। अभी बस निकल रहा हूँ घर से, फिर मैं आपको पिक करके फिर बताएंगे आपको कि आज कहाँ जा रहे हैं। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ। तो दोस्तों घर से तो निकल गया हूँ मैं आपको पिक करके फिर आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं आज। मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और हम लोग फिर से आ गए एक नया ब्लॉग लेके भैया के साथ, और दो दिन के रेस्ट के बाद, क्योंकि मेरी तबीयत से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही। तो आज निकल गए हम फिर से मार्केट के लिए। मैं मार्केट के काम भी ख़त्म नहीं होते हैं, जब देखो मार्केट ही जाते रहते हैं हम लोग। और आज भी शॉपिंग करने जा रहे हैं हम लोग। मुझे तो घोड़ी नहीं मिली थी हमें उस दिन आपके लिए। ये उसका हस्बैंड है। ये उसका हस्बैंड था। ये आप ही को ढूंढ रहे हैं? क्या बोला तूने? मेरे को ढूंढ के क्या करेगा वो? समझ रहे हो ना? निकल गए और आते ही हमको देखो क्या मिला। हैवी ड्राइवर हैवी ड्राइवर मतलब तेरे को अगर बोर्ड नहीं है तो जल्दी से बोर्ड ना भाई, पूरी रोड को रोक के खड़ा है तू। देखो एक और हैवी ड्राइवर। आज हम आपको जितने भी सारे हैवी ड्राइवर है ना उनसे मिलवाएंगे दुनिया में। आज का ब्लॉग इसी पे बेस्ड है। भैया ये जगह याद है आपको? हाँ याद है। बताओ यहाँ पे क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। ये ऐतिहासिक जगह है, अब पूछो कैसे? कैसे? यहाँ पे आपको आपकी शादी की घोड़ी मिली थी उस दिन। आपको आप बताओ घोड़ी कहाँ गई? वो घोड़ी को मैंने एक जगह रख दिया है संभाल के, जिससे कि वो किसी और के पास ना जा सके। शाबाश बेटा। अच्छा, वो स्पेशली आपके लिए है ना, हम उसको खिलाएंगे पिलाएंगे और फिर उसके सेहत बनाएंगे। क्यों मेरा वेट कम होगा इसका डाउट है क्या? क्या मेरा वेट कम होगा इसका डाउट है क्या? हाँ, आपका वेट कम हो ना हो हम उसका वेट बढ़ा देंगे पहले, जिससे कि उसे दिक्कत ना हो। इतनी खुशी मुझे आज तक। कोई बात नहीं, एडजस्टेबल हो गए हम। क्या बात कर रहे? ये पिया जा रहा है यहाँ पे लेमन सोडा। और मैं सबको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, सावधान रहे, सतर्क रहे। अच्छा, हमको सिखा रहा है? लेकिन किससे? इस आदमी से, भैया से। ये हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ पिलाने लेके जाते हैं और ऐसे बोलते हैं कि स्मॉल वाला ग्लास लेंगे। ये इनका स्मॉल ग्लास है। तब मेरे जैसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों से पिया जाएगा ये स्मॉल ग्लास? वो तो मैंने आधा कर दिया है, ये भी बहुत है। लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। हाँ तो गाइस, फाइनली सोडा हो गया खत्म और फिलहाल गर्मी भी थोड़ी थोड़ी कम लग रही है, लेकिन वो बहुत सच में बहुत बड़ा ग्लास था। भैया हमेशा ऐसे ही करते हैं, झूठ बोलते हैं हमेशा मेरे को। स्मॉल वाला एक तो मैं सारे जितने भी सोडा वाले और जूसेस वाले हैं ना, इनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग ना अपने स्मॉल का मतलब स्मॉल ही रखा। स्मॉल मतलब इतना होता है, स्मॉल शॉर्ट्स देखे स्मॉल इतना होता है, और तुम लोगों का स्मॉल इतना बड़ा होता है यार। और स्मॉल के बाद मतलब स्मॉल के बाद लार्ज, उससे थोड़ा सा बड़ा, तो वो स्मॉल कैसे हो गया? यही तो ट्रिक है इन लोगों की। ट्रिक क्या है उसमें? ट्रिक भी कुछ नहीं है, आदमी बस स्मॉल के नाम पे अपना पागल बना ले और फिर उससे पिया ही ना जाए। मेरे जैसा कोई बंदा हो भैया के जैसे, तो खैर इन्होंने मेरा भी पी लिया। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। मेरे को बोल के लाए थे चल टेस्ट कराता हूँ। हर बार ही ऐसी करते टेस्ट कराने के चक्कर में, उनको पता है मेरे से पिया नहीं जाएगा जबरदस्ती, मेरा भी जाते हैं। अब वो स्मॉल ग्लास हमेशा स्मॉल रहता ही नहीं है वैसे भी। हे भगवान, लोगों को छोटे ग्लास बनाने के लिए दिमाग दो। पहले तू दे। मेरे को लगता है लोगों का दिमाग ही खत्म।
जा रहे हैं अपने मैगी पॉइंट मैगी खाने। थोड़ी देर बैठेंगे, मैगी खाएंगे। ये देखो गाइस भैया के किस्से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। याद है मेरे को आरपीएस में था मैं, स्कूल बंक किया, क्यों ड्राइंग की फाइल नहीं लेके गया था? ये सोचो ड्राइंग के टीचर से डर कितना लगता होगा मुझे। उनके ड्राइंग के टीचर को हम बताना चाहते हैं कि आप सच में बहुत डरते थे, इतना ना डराया करें बच्चों को। ये मैसेज हमारा साइकिल से निकल गया मैं, पहले रामझूला, ये राउंड हमारा रामझूला का, फिर वापस आया मैं इधर और बैराज के लिए जा रहा था मैं। जिस गली से गया मैं उसी गली के कॉर्नर में था उन ऑटो वाले का घर, जो लेने जिनके ऑटो से जाते थे पहले। फिर मैं घूमते फिरते पूरा आई डी पी एल घूमते हुए, बारिश भी हो गई, बारिश में भीग लिया। उसके बाद मैं दोपहर को स्कूल के टाइम के अकॉर्डिंग घर पहुंचा, न्यूज़ पहले ही पहुंच चुकी थी, ये तो स्कूल गया ही नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा। ऑटो वाले ने घर जाके बोल दिया। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। वाह, एक ही बार बंक मारा वो भी अच्छे से नहीं मारा ना। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ओके गाइस, फाइनली हम लोग निकल गए मैगी खा के, और पेट पूरा भर गया है फिलहाल तो, क्योंकि पहले ही भैया ने वो स्मॉल वाला ग्लास पिला दिया था ना, तो उसके बाद मैगी ज़्यादा मुझसे खाई नहीं गई, कोई नहीं ज़बरदस्ती मैंने खाई ही नहीं फिलहाल तो। मैगी हो गया, मैगी का पूरा हो गया खाना वाना सब, और अब जा रहे हम लोग घर। एक बज गया, घर भी जाना, घर वालों को तसल्ली देनी होती ना थोड़ी कि बच्चा थोड़ा सुधरा हुआ है आपका, इतना बाहर नहीं घूमता है, नहीं तो बेदखल हो जाएंगे घर से। बात तो सही है। और आज भैया के सबसे ज्यादा मजे आए हैं पता है, मेरे बदले का सोडा पीने के लिए मिल गया। आए 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 मजे आए। तो भैया के लिए मैंने गाड़ी ढूंढ ली, भैया को ये गाड़ी गिफ्ट में देंगे हम। गजब बेइज्जती है। गोल 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 इट्स ए गोल, ये सबसे बढ़िया लगता है मेरे को ऐसे गोल करके घूमने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये अमूजेंट पार्क के किसी राइड जैसा लगता है पता है, ऐसे गोल घुमा के लेके जाना है, पर वो सिर्फ तब अच्छा लगता है जब आप पीछे बैठे हो, आगे नहीं मजा आता। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक। ये देखो वाह क्या सीन है। सही में अभी ड्राइवर से मिल रहे हैं आज हमको सच्ची में। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए घर, और अब चल रहे हैं हम, अभी भैया भी अपने घर जा रहे हैं और मैं भी अपने घर जा रहा हूं। तो इस व्लॉग का यही एंड होता है, हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सबके अब तो बोलना पड़ेगा, आप लोग बोर तो हुए नहीं हो पिछले वाले के बाद से, तो ठीक है बाय।